देश के करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 राज्यों में शुरू हुए सेमीकंडक्टर से जुड़े 3 प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। 21वीं सदी को बताया तकनीक की सदी। नायब सिंह सैनी सरकार ने ध्वनिमत से हासिल किया विश्वास मत। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब करनाल विधानसभा से भी दिया इस्तीफा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया स्वराज का पहला सीजन। विकसित भारत पर दिया जोर। और देश में नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों ने कहा भारत में बाहर से आए उन लोगों को मिलेगा फायदा जो बरसों से यहां रह रहे। नागरिकता देने को बताया सराहनीय कदम। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के युवाओं को संबोधित किया। इन 3 सुविधाओं की स्थापना से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सुदृढ़ होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री की परिकल्पना भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। इस परिकल्पना के अनुरूप धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OST सुविधा और गुजरात के सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा के लिए आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेड इन इंडिया चिप, भारत से डिजाइन की गई चिप भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ लेकर जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने राजस्थान दौरे के दौरान पोखरण में तीनों सेनाओं के युद्धा अभ्यास भारत शक्ति प्रदर्शन का निरीक्षण किया। सेनाओं के इस शक्ति अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत का दमखम दिखाई दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक दशक में देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत तेज गति से काम किया गया है। इसके चलते देश आज रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बन रहा है। जमीन पर ये जांबाजी चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। पीएम ने देश की रक्षा जरूरतों को नजरअंदाज करने और भारत को दशकों से रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर बनाए रखने वाली पहले की सरकारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में सेना की मजबूती के लिए काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में भारत ने
अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं, आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है, अब फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। कहा कि आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, मिसाइल की जो गर्जना हम देख रहे हैं, यही भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने पर नायब सिंह सैनी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नायब सिंह सैनी को बधाई। मैं उन्हें और उनके मंत्रियों की टीम को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार ग्रहण करवाया। उन्होंने नायब सिंह सैनी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। पदभार ग्रहण करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में गत 9.5 वर्षों में गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हरियाणा के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है। नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में मनोहर लाल के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर धन्यवाद व्यक्त किया। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था, बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। हरियाणा के अंदर कई इतिहास उस सरकार ने रचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल मनोहर लाल की नीति, सोच और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के चहुंमुखी विकास की ओर गति प्रदान करने की दिशा में कार्य करेगा। नायब सिंह सैनी की सरकार ने आज बिना मतदान ध्वनिमत से बहुमत साबित कर दिया है। परीक्षण को लेकर विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक एक घंटा विश्वास मत पर बोलने के लिए दिया। सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वह बतौर सीएम सदन में आए हैं। उधर मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल ने बुधवार को करनाल विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। सुबह करीब 11 बजे जैसे ही मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रखा, जजपा के सभी 10 विधायक और एक निर्दलीय विधायक सदन से बाहर चले गए थे। इससे पहले जजपा ने व्हिप जारी कर सभी विधायकों को वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने को कहा था। वहीं भाजपा विधायकों ने एक स्वर में नई सरकार को समर्थन दिया है। कल नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल को पत्र देकर 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, जिनमें भाजपा विधायकों के साथ कुछ निर्दलीयों के समर्थन की भी बात कही गई है। फ्लोर टेस्ट पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैंने हर परिस्थिति में भाजपा के लिए काम किया है, आगे भी करूंगा और कई गुणा ज्यादा करूंगा। वहीं राज्य के मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ये सिर्फ औपचारिकता थी जिसे हमने निभाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर न केवल सैनी बल्कि सर्व समाज में खुशी की लहर है तथा वे मिठाई बांटकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल सर्व समाज के लोगों ने भिवानी में मिठाई बांटकर खुशी मनाई तथा नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया।
इस मौके पर सुरेश सैनी, नरेश सैनी व ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि नायब सिंह सैनी एक साफ छवि के ईमानदार नेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के बूते एक छोटे से कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नायब सिंह सैनी की कर्तव्य निष्ठा एवं उनकी प्रदेश की जनता के प्रति सकारात्मक सोच को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया है, जिसके लिए वे भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हैं। सरकार से आशा भी चाहते हैं कि जो समय बचा हुआ है उस दौरान ओबीसी समाज को ज्यादा भागीदारी मिले, क्योंकि पिछले जितने भी साल हुए हैं 4.5 साल में, उसके दौरान ओबीसी समाज को इतना कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। अब जो ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उसके लिए हम भाजपा का धन्यवाद करते हैं, और हम आशा भी करते हैं कि जो समय बचा हुआ है उस समय के दौरान ओबीसी समाज और एससी समाज के लोगों का ये सरकार भला कर सके। नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो समाज में ओबीसी समाज का पहला जो मुख्यमंत्री बना है जो समाज के अंदर आगे तक लेके जाएगा, और सैनी समाज के अंदर पूरी लहर दौड़ चुकी है और ओबीसी समाज भी तन मन धन से उनका सहयोग करेगा। पहले हमारे को जो है एक सौगात दी थी कुछ दिन पहले नायब जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके, ओबीसी को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, उससे हमारा जो है ऊर्जा बहुत ऊपर चली गई थी, और अब उसमें और 4 चांद लगा दिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना करके। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ओबीसी के लिए, इससे पहले कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर नहीं था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक अमेजन प्राइम डिजिटल रिलीज किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर स्वराज धारावाहिक शुरू किया था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की उन महान अमर सेनानियों के जीवन और उनके बलिदान की गाथा को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके त्याग और बलिदान को इतिहास की मुख्य धारा में स्थान नहीं दिया गया। धारावाहिक स्वराज नए भारत में दूरदर्शन की नई छवि प्रस्तुत करता है। ये नई पीढ़ी का भारत के उन गुमनाम नायकों के परिचय करवाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए वीरता का प्रदर्शन करते हुए बलिदान दिया था। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित टीवी सीरियल सरदार द गेम चेंजर ही भी जल्द ही दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया, अब इसको अमेज़न प्राइम पर आप देख पाएंगे, और आज से ही 15 एपिसोड अमेज़न प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन का प्रयास है कि इस प्रेरक और लोकप्रिय धारावाहिक को व्यापक दर्शन वर्ग विशेषकर हमारे युवा इसे देखें और ओटीटी के माध्यम से इसे पहुंचाया जाए। इन कथाओं को 75 एपिसोड्स में पिरो करके अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में चलाया गया। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम प्रसारित होता था, और 75 एपिसोड पूरे होने के बाद आज से ये कार्यक्रम अमेज़न प्राइम वीडियो पर ओटीटी के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 1947 की अवधि में जो भारत की रियासतें थीं, उन रियासतों के भारत संघ में विलय का काम जो तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा जो अंजाम दिया गया, उसकी कहानी हम लेकर के आए हैं सरदार द गेम चेंजर सीरियल के माध्यम से। भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सिरसा के अलग अलग वर्ग से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसको लेकर सिरसा के लोगों का कहना है कि ये भारत सरकार का अच्छा निर्णय है कि उन लोगों को अब भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ब्रह्म कुमारी आश्रम की जिला इंचार्ज बहन बिंदु ने कहा कि इससे वह उन लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं और पिछले काफी वर्षों से भारत में रह रहे हैं उन्हें लाभ होगा। भारत सरकार ने उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने का जो निर्णय लिया है ये काफी सराहनीय है। कोई 10 साल से अपने पास रह रहा है,
अगर वो भारत देश के वफादार हैं और भारत देश के लिए वो काम कर रहे हैं और करने के इच्छुक हैं, तो हम तो विश्व बंधुत्व का संदेश सबको देते हैं। तो जो शरण में आया है और बंदे सही हैं, तो उनको सिटीजनशिप देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है, भाई बहनों से जिनको भी सिटीजनशिप मिल रही है, कि भारत देश उनको कुछ आगे बढ़ा रहा है, तो उनको भी हर कार्य देश के हित के लिए करना चाहिए। वो भारत देश में रहकर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे भारत देश के शान में कोई अंतर आए। वहीं अधिवक्ता रमेश गोयल और सिरसा निवासी राहुल ने बताया कि जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है, वे वहां पर पीड़ित के रूप में थे और भारत उन्हें नागरिकता दे रहा है, ये काफी अच्छा कदम है। वास्तव में इस कानून से नुकसान किसी को नहीं है, केवल लाभ सीमित लोगों को है, ये ठीक है। कि जो लोग बाहर से, जैसे रोंगिया है या बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो लोग घुसपैठ करके आए हैं, उनको वो नागरिकता नहीं दी जा रही, इसलिए वो लोग शोर मचा रहे हैं। अन्यथा इसका उनको कोई, जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, जो बहुत मुद्दत से, जन्म से या पहले से रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उनकी कोई नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं होने वाला। ज़्यादातर जो जाति के लोग हैं उन सबको इंडिया में, आप ये मानिए, जो आज तक शरणार्थी शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको अब नागरिकता मिलेगी। वो सभी जो भारत के मूलभूत नागरिक बनेंगे, उनको उनकी नागरिकता के अनुसार जो मूलभूत सुविधाएँ जो एक हर भारतीय को मिलती हैं, वो उनको भी मिलेंगी। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें उनको ये भी पता चलेगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो नागरिकता के लायक हैं। वहीं इस कानून को लेकर करनाल जिले के धार्मिक संतों और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी राय व्यक्त करते हुए इसका स्वागत किया है। करनाल से वरिष्ठ जैन संत पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि इस फैसले से भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे उन सभी अल्पसंख्यकों को फायदा होगा जो वहां पर किसी न किसी रूप में भेदभाव और शोषण का शिकार हो रहे हैं। वहीं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को अल्पसंख्यकों के हित में बताते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। अन्य देशों में जन्म लेने वाले किंतु मूलतः भारत की भूमि से जुड़े हुए नागरिकों के लिए, जो अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए हैं, जिनमें 6 जातियां हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई आते हैं, उन्हें CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता दी गई है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके माध्यम से धार्मिक उत्पीड़न और धार्मिक आधार पर जातीय विद्वेष और भेदभाव का शिकार हो रहे भारत के नागरिक, जो यहाँ पर अभी पीड़ित जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हें भारत के मूल नागरिक बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है, जो गैर मुस्लिम, जिसमें सिख, बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, 6 को जो भारत में 2014 से पहले आकर रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया जाएगा। उन लोगों को जो बाहर, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, उनको भारतीय नागरिकता देने का काम किया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की पूरी टीम ने जो इसे लागू विधिवत तरीके से किया, आज उन 6 धर्मों के लोगों में खुशी की लहर है। ईसाई, सिख, हिंदू, बौद्ध, पारसी, आज उनमें ये खुशी है कि वो आज इस कानून के साथ विधिवत तरीके से भारत की नागरिकता लेकर भारत में उन्हें मूलभूत सुविधाएं का वो लाभ ले सकते हैं। उस नागरिकता से आज जो आज उनके अंदर खुशी है। कैथल जिले के लोगों ने भी इस CAA कानून की देश में लागू होने पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, उनके लिए ये कानून एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के हितों को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं। सभी लोगों द्वारा भारी स्वागत किया जा रहा है।
अब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले से इन देशों के भिन्न भिन्न जातियों से लोग अपने आप को भारत का नागरिक बनकर गौरव महसूस करेंगे। मैं भारत सरकार की तहे दिल से तारीफ करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करता हूँ जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। मेरे इस फैसले से मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ भविष्य में भी ऐसी कोई समस्या होगी जिसके निपटने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत योगदान दिया है। मोदी सरकार का बहुत अच्छा, बहुत ही दर्शनीय फैसला है ये, और ये हर वर्ग के लिए, जो कोई हमारे वर्ग का, कोई ईसाई धर्म का, कोई हिंदू धर्म का, कोई बौद्ध धर्म का, कोई सिख धर्म का, जो भी नागरिक पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो अपना देश छोड़ के भारत में आया था, जिनको कई वर्षों से नागरिकता नहीं मिल रही थी, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा फैसला है। वो पूरे खुश हैं, हर कोई जनता, पूरे भारतीय नागरिक नागरिकता लेने के लिए वो बहुत ही तत्पर थे। ये कदम जो भी देश हित में वो उठाए हैं वो सराहनीय है, और अच्छे जो सबके लिए अच्छा हो वो करते ही हैं, अभी भी आगे के लिए करते रहेंगे। हम तो उनके हर काम में समर्थन है। जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव को लेकर उन युवाओं में काफी उत्साह है जिनका पहली बार वोट बना है। उनका मानना है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी बने। नारनौल पीजी कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि उनका पहली बार वोट बना है और अपने वोट का आने वाले चुनाव में वो इस्तेमाल करेंगी, वोट डालकर अपनी भागीदारी दिखाएंगी। साथ ही इन युवाओं ने अन्य लोगों से भी अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। मैं भी अपना जो है फर्स्ट टाइम अपना वोट दूंगी, सभी को करना भी चाहिए, ये सब इंसान का जो है वो अधिकार होता है, सभी को करना चाहिए। मेरा इसी साल वोट बना है तो मैं सभी को यही कहूँगी कि मतदान करना जरूरी है, और मैं भी फर्स्ट टाइम इस साल मतदान करूँगी, और सभी का अधिकार है कि सभी मतदान करें, तो अपने अगर किसी की एज हो गई है तो वो अपना वोटर आईडी जरूर बनवाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अब की बार मतदान दूंगी, मेरा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, और मेरा मानना ये है कि देश में जितने भी हमारी जनता है उन्हें मतदान ज़रूर देना चाहिए। इसी की वजह से हमारी देश की जो जितनी भी स्थिति है, जो भी सरकार है, वो आगे हमारे देश की स्थिति को बहुत अच्छा बनाएगी। मैं आप सभी से बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मतदान ज़रूर दें। ये पहली बार है जब मैं वोट देने जा रही हूँ, मेरा अभी वोटर आईडी बना है, ये हमारा अधिकार है तो हमें इसका सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सरकार चाहे कोई सी भी आए, पर हमें अपना इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, देश का निर्माण में सहायता देनी चाहिए। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में हरियाणा गौ सेवा आयोग व पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी व इन विट्रो निषेचन की वर्तमान स्थिति, हालिया प्रगति और भविष्य का परिप्रेक्ष्य पर पंचकुला में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का एवं विचार मंथन का आयोजन किया गया। अनुसंधान निदेशक डॉ. नरेश जिंदल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस सेमिनार में अलग अलग सत्र का आयोजन किया गया जिसमें 150 के आसपास प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि एम्ब्रॉयो टेक्नोलॉजी IVF ETT पर पशुपालन विभाग, गौ सेवा आयोग और लुवास द्वारा संगठित होकर कार्य किया जा रहा है। सैरोगेट माँ से गाय व भैंस की नस्ल तैयार की जा रही है। बैठक में पूरे देश के वैज्ञानिकों व गौशाला प्रबंधकों को भी बुलाया गया है कि माँ कोई और है, बाप कोई और है, और तीसरे जो ले सकते हैं उस बच्चे को लेके और बच्चे को बड़ा करके और उससे नस्ल की गायें, गौवास या भैंस तैयार हो कि भविष्य के लिए ये टेक्नोलॉजी उपयुक्त है, और इसके द्वारा जो हमारे गाँव में सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, दो दो तीन तीन लीटर दूध के कारण के भाई दूध ज़्यादा नहीं दे पा रही वो गौवंश, उससे 15 लीटर की, 12 लीटर की, 18 लीटर की बछड़ी ली जा सकती है, बछड़े लिए जा सकते हैं। वहीं लुवास के अनुसंधान निदेशक डॉ. नरेश ने बताया कि आज के मंथन का मुख्य मकसद ETT IVF तकनीक की मदद से हरियाणा में देसी नस्ल के अच्छे पशुओं की संख्या बढ़ाना है। संस्थान कम दूध देने वाले गौवंश को सैरोगेट मदर के तौर पर काम कर रहा है। मिलके गौशाला के साथ मिलके कैसे इस तकनीक को आगे बढ़ा पाएं? इस तकनीक से हम ये मानते हैं कि जो आज आप गौशालाओं में देखोगे कि काफ़ी गौवंश ऐसा है जिसकी दूध देने की क्षमता 2, 3 या 4 या 5 लीटर है। ऐसे जो कम दूध देने वाले हमारा गौवंश है
उसको इस तकनीक में एज सरोगेट मदर यूज़ करके बर्थ के हम उनसे अच्छी बच्चियां प्राप्त कर सकें और उस दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। गौवंश संभाल रहे हरी सिंह बेनीवाल व जगदीश मलिक ने बताया कि कार्यशाला में आकर बहुत से तकनीकी जानकारियां मिली हैं। किसान भी गौमाता को आवारा नहीं छोड़ेंगे, इससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आवारा गौ माताएं जो रोड पर घूमती है उनका समाधान कैसे हो, ये जो डॉक्टर साहब ने तकनीक बताई है नई, इसके तहत आने वाले समय के अंदर बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो भी गौवंश है उससे हम नई बच्चियाँ पैदा करेंगे, उसका दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारा किसान भी उस पद्धति को अपना के और गौ माताओं को रोड पे नहीं छोड़ेगा। सबसे बढ़िया बात, जो साइंटिस्ट कलसी से उत्तराखंड से आए थे उन्होंने ये बताया, एम्ब्रियो का खर्चा अगर सरकार उठा ले और गौशालाओं में उससे ब्रीडिंग का काम, हरियाणा नस्ल की ब्रीडिंग का काम किया जाए, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक दिन हरियाणा नस्ल की गाय रोड पर नहीं रहेगी और गौशालाओं भी स्वावलंबी बन जाएंगी। प्रदेश में बागवानी फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ प्रीमियम राशि 2.5% सब्जियों मसालों के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ व फलों के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है। बागवानी करने वाले किसान शहवीर तथा प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी सुरक्षा बीमा योजना उनके लिए वरदान बनकर आई है। उनकी फूलों की खेती, जड़ी बूटियां आदि सब नष्ट हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी किश्त भरने पर सरकार द्वारा उनकी भरपाई कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना से वह काफी लाभ उठा चुके हैं। क्योंकि हम बागवानी करते हैं, साथ में खेती भी करते हैं, और इससे क्या होता है कि ये नामात्र बीमे की राशि हमें सरकार को देनी पड़ती है, जिससे हमें बहुत सारा फायदा होता है। जो भी हमारा नुकसान होता है सरकार उसकी भरपाई करती है। हमारे को उम्मीद है जी बीमा योजना मिलेगी तो हम आगे जान के बढ़ेंगे, कोई योजना मिलेगी तो स्कीम बहुत बढ़िया है, सरकार की बहुत बढ़िया स्कीम है। बागवानी विभाग के उपनिदेशक सरवन कुमार ने बताया कि ये योजना प्रदेश के बागवानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसमें किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो सरकार द्वारा सब्जियां, फल तथा फूलों आदि पर थोड़ी सी प्रीमियम राशि लेकर पर्याप्त मात्रा में बीमा राशि प्रदान की जाती है। इसके अंदर क्या है कि जो सब्जी है उसके अंदर हम 750 रुपये प्रीमियम है वो किसान को दे करना पड़ता है, और यदि बाग है उसके फ्रूटिंग में होना चाहिए वो बाग कोई भी है तो उसके लिए आपको 1,000 रुपये प्रीमियम है, वो पर जो आपका एनम यानी जो उसकी फसल की टेन्योर होती है उसके लिए उसको दे करना पड़ता है। इसकी जो लॉस की प्रक्रिया है या उसका भुगतान की जो प्रक्रिया है वो सब ऑनलाइन है। आपका जो मेरी मसल मेरे ब्यौरे में जाके और फिर इसको खुद को रजिस्टर करना पड़ता है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में। जब वो रजिस्टर करता है तो उसका ऑनलाइन ही पेमेंट मोड आ जाता है, तो उसके अंदर उसको 1,000 रुपये की किस्त पर एकड़ के हिसाब से उसकी कटती है। बागवानी विभाग पलवल द्वारा किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला बागवानी के अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि पिछले वर्ष जिले में 650 एकड़ में सब्जी लगाने के उपरांत किसानों को अनुदान दिया गया है। किसानों को परंपरागत खेती करने की बजाय नई तकनीक से खेती करने के लिए जागरूक किया गया है। डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में लगभग 10,000 एकड़ में सब्जी लगाने का कार्य किया जाता है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीक से खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। 650 एकड़ में सब्जी लगवाने उपरांत उनको अनुदान राशि दी है। ये 650 एकड़ जो सब्जी लगाई गई थी वो नई तकनीक के सहारे लगाई गई है। ऐसे तो हमारे पलवल जिले में लगभग कम से कम भी 10,000 एकड़ में सब्जी लगती है, लेकिन नई तकनीक जो है बागवानी विभाग सरकार ये कहती है कि नई तकनीक से सब्जी लगाओ ताकि किसान की आमदनी बढ़ाई जा सके और किसान का उत्पादन भी बढ़े, मंडी में उसको भाव अच्छा मिले, उसके तहत हमने 650। गांव जलहाका के किसान खेमचंद ने बताया कि वे 4 एकड़ भूमि में सब्जी की खेती करते हैं, जिसमें से 2 एकड़ में बांस बल्ली के माध्यम से टमाटर की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान व गेहूं की खेती के मुकाबले सब्जी की खेती में अधिक मुनाफा होता है। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।